तुम्हारे भीतर भी बहुत कांटे हैं या नहीं? कांटे का काम क्या होता है? चुभना। अगर आप चुभने वाले बोल बोलते हो, आपके बोलों में गोलाई नहीं है, उनके किनारे बड़े तीखे हैं, काट देते हैं दूसरों के, दूसरे के दिलों को घायल कर देते हैं, तो क्या कहेंगे उसको? चुभने वाले। तो ऐसे तुम बच्चों को बोल बोलने हैं क्या? तो बाबा कहता है तुम दैवी धर्म की स्थापना का, भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। भारत को स्वर्ग बनाने का, दैवी धर्म की स्थापना का, आसुरी धर्म के विनाश का उत्सव रोज मनाते हो। तो उसके लिए कैसे होगा? दैवी राज्य की स्थापना कैसे होगी? दैवी राज्य की स्थापना कैसे होगी? खुद भी पवित्र बनेंगे, अन्यों को भी पवित्र बनाएंगे, सतो गुण में रहेंगे, दिव्यता को धारण करेंगे, अलौकिकता को धारण करेंगे, इस दुनिया को भूलेंगे, क्योंकि इस दुनिया में जो भी होता है उसको लौकिक कहते हैं, इस लोक का, और उसमें भौतिकता भी होती है। लौकिकता में भौतिकता भी है, मटेरियल है, इंद्रियों का यूज है, आंख नाक कान मुंह इनका सबका यूज बहुत है। तो बाबा कहते हैं दैवी धर्म की स्थापना करनी है तो अलौकिकता में आना होगा, है ना? इस दुनिया से ऊपर उठना होगा, भौतिकता से आध्यात्मिकता में जाना होगा, शरीर से आत्मा में जाना होगा। तुम दैवी धर्म की स्थापना का अर्थात भारत को स्वर्ग बनाने का उत्सव रोज मना रहे। रोज तुम्हें मनुष्य को देवता बनाने की सैपलिंग लगानी है। सैपलिंग किसको कहते हैं? पौध। जैसे जीरी की पौध लगती है ना, ऐसे शिव बाबा कहते हैं तुम्हें कौन सी पौध रोज लगानी है? मनुष्य को देव बनाने की। वे मनुष्य तो जंगलों के कांटों की सैपलिंग लगाते हैं और नाम देते हैं वनोत्सव, तुम कांटों से फूल बनाने का उत्सव रोज मनाते हो। तुम्हारे जैसा उत्सव इस दुनिया में और कोई मना नहीं सकता, लेकिन इस मार्ग में भी विघ्न बहुत आते हैं। आते हैं नहीं आते? विघ्नों का पता कब लगता है? कैसे पता लगता है विघ्न जब है ज्यादा कब आते हैं? विघ्न ये कब आते हैं ज्यादा? शक्तियों की कमी होगी और देह भान में पूरा दिन रहते हैं तो विघ्न आते हैं, और कहीं आकर्षण है, लगाव झुकाव है ना? बाबा का भूलना भी, भूलना शांति, दुनिया याद है और बाप भूले हुए हैं। तो क्या करना है? देवभान से ऊपर उठना है, तभी जो है कल्याण होगा। योग बल से विषय वितरणी की बड़ी खाड़ी को पार करना है। कौन सी शक्ति चाहिए? योग बल। और विघ्न सबसे ज्यादा तब आते हैं जब आपको कोई जिम्मेवारी दी जाती है। क्या समझे? मान लो आपको कोई जिम्मेवारी नहीं, आपको कह दे भी आप अपना आराम से रहो, हम आपसे सारा कुछ हम कर लेंगे,
तो आपको कोई भी नहीं, आप अपना पड़े मजे में एसी चला के। लेकिन अगर आपको जिम्मेवारी दे दें कोई बड़ी सारी और आप जिम्मेवारी समझें भी, कई बार जिम्मेवारियां मिल तो जाती हैं, लोग निभाते नहीं, वीक होते हैं। जैसे ही जिम्मेवारी बढ़ेगी आपकी तो आपका दिमाग चलना शुरू होगा। जैसे मैं अभी आप बैठे हो, मैं अभी आपके एक किसी को उठा के कहता हूँ यहाँ बैठ के राजयोग पे 15 मिनट बोलो, दूसरों को जो कोर्स कराना है जैसे, 15 मिनट तक आपने राजयोग पे बताना है, तो अंदर से जो है ना कुछ होने लगेगा, अभी दिमाग चलना शुरू, कौन कौन से पॉइंट देने हैं, हैं? और अगर कुछ कोई जिम्मेवारी ना हो, कोई दिमाग चलना है, आपको टॉपिक कोई दे दें, सदा खुश कैसे रहें, इसके ऊपर बोलना है आपने 40 मिनट, तो दिमाग चलेगा नहीं चलेगा? और वैसे और दूसरों को बताना है, खास बात खड़े हो गए है ना, घर में बैठ के ये नहीं भी कुछ भी लिख लियो, दूसरों को भी बताना है, तो फिर जो है दिमाग सोए हुए भी चलेगा, नहा रहे हो तो भी चलेगा, और उस वक्त इतने सुंदर सुंदर पॉइंट अंदर चलते हैं, आनंद आ जाता है। तो जो जिम्मेवारी के समय भी हल्का रहे वो योगी है। क्या समझे? जो जिम्मेवारी के समय भी हल्का रहे, उसको लगे ना, उसके चेहरा देख के ये नहीं लगे बड़ी टेंशन में है, बड़ी टेंशन में है, या लोग ही कहना शुरू कर दें भी क्या हो गया आपको, आप तो बड़ी टेंशन में दिख रहे, उनको क्या पता भी लेक्चर करना पड़ रहा है। और आपको जाके सिर्फ सुनना हो तो जाके कोई भी कुर्सी तोड़ लो। और कहें कि बोलना मंच पे बैठ के सबके सामने, सामने 2000 आत्माएं बैठी हैं, तो फिर जो है दिमाग एन सेट हो जाता है, उस वक्त पता लगता है कि हाँ क्या होता है। ये तो लगता है अच्छी क्लास नहीं थी, बढ़िया क्लास नहीं थी, हैं काप कराओ ना, नए नए पॉइंट दो पता लगे। वैसे तो कह देंगे वही वही बातें रोज बता देते हैं ना, आप नहीं बता दो भाई। तो इसलिए जितनी बड़ी जिम्मेवारी उतने हल्के, ये है योगी के लक्षण।